हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाखी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी आज सुबह से ही वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दिया है और आज है अमावस, तो मैं यहाँ पे खाना पीना तैयार कर रही हूँ। घर का सब काम ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग व्लीनिंग का सब कुछ, तो बस मैं नहा के लग गई हूँ अमावस का खाना बनाने के लिए। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं, आप लोग ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो डेली व्लॉग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी बात वीडियो में अच्छी या बुरी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूध गर्म हो चुका है और अमावस जो है वो, मतलब ये जो अमावस होती है देवताओं वाली, ये हर जगह पे अलग अलग तरीके से मनाई जाती है और यहाँ पे जिस तरीके से भी मनती है मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे निकलते हैं फुलके, जैसे कि खीर बनाई, सब्जी बनाई और चार आठ एक परोसा जो है वो पंडित जी को दिया जाता है, चार रोटी गाय को दी जाती है और चार रोटी के टुकड़े अलग अलग तोड़ करके कौवों को खिलाए जाते हैं। तो जी बस मैंने यहाँ पर टमाटर और जीरा वीरा डाल के मसाला तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ जो है मेरी खीर बनने लग रही है और एक मैं आटा लगा के रख दूंगी, तो बस मेरा यही काम जो है वो बाकी रह गया है। अभी मैं बना ले रही हूँ फुलके और मैं जब रोटी बना रही तब मैंने देखा कि मेरे हाथों में ना चूड़ी नहीं है। मैंने अनाया को भी नहलाया था क्योंकि घर में सब लोग नहा चुके हैं और बिल्कुल शुद्ध होके खाना पीना बन रहा है। मैंने देखा कि कोई से भी हाथ में चूड़ी नहीं है, तो फिर मैंने वीडियो रोका और फिर मैं सबसे पहले अपना चूड़ी डाल के, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं अनाया को जब नहलाती हूँ ना तो अब निकाल देती हूँ, फिर याद भी नहीं आता है। तो जी बस देखिए मेरी जो है यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और देखिए मैं चूड़ी पहन के आ गई हूँ और मुझे बड़ा गंदा सा लग रहा था। मैंने कहा कोई क्या बोलेगा कि हाथ में चूड़ी भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। सारी रोटी जो है वो बन चुकी हैं, तो इनको घी लगा के रख दूंगी और वो भी जो है जब तक नहा रहे हैं, और फिर अपना जो है थाली निकाल देंगे। ये जो है ये एक पंडित जी का परोसा निकलेगा और एक थाली में जो है वो गाय की निकल गई है चार रोटी, और यहाँ पर जो है चार रोटी के जो है टुकड़े तोड़ करके 16 जगह वो रखे जाएंगे और उन पे खीर और सब्जी जो हमने बनाई है वो रखी जाएगी, और फिर इनको पूज करके गाय की रोटी गाय को दे देंगे, पंडित जी का परोसा पंडित जी को दे देंगे और जो टुकड़े हैं उनको कौवों को भोग लगा देंगे। और कई दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और अब तो हो रहा है कि बस धूप निकल आए मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि अजीब सा होने लगता है, बारिश भी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। तो जी बस इन्होंने पूज दिया है और अभी बस गाय को जा रहे हैं रोटी देने के लिए। ये यहीं पे घेर में ना जो इनके ताऊजी हर के घर हैं वहाँ पे, और ये साइड में ही हमारे जो है वो पंडित जी हैं, तो इनके भी एक परोसा जो है वो दे देंगे। तो जी बड़ा अच्छा लगता है त्यौहार का दिन हो और ऐसे सुबह सुबह में सारी चीज़ें होती हैं, मन को भी सुकून मिलता है, एक अलग सी ही फीलिंग आती है। और ये जो दिन चलते हैं ना, ये वाला जो टाइम होता है, और जैसे कि अमावस हो गई है ना, अभी नवरात्रे होंगे, फिर दिवाली और करवा चौथ होई, बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो आने वाले हैं, तो ऐसे में घरों में चहल पहल, खुशी का माहौल और शॉपिंग, लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि घर बहुत पॉजिटिव रहता है। मेरा बहुत मन लगता है ऐसे टाइम पे। तो जी देखिए बारिश ने क्या हाल मचाया हुआ है, पूरी छत पे भी काई वाई सी लग गई है। आज बारिश नहीं हुई है अभी तक भी, ना हो तो ही अच्छा है। तो बस ये यहाँ पे लग रही है पाखी की थाली जिसमें खीर होगी, सब्जी होगी और रोटी रख देंगे। तो जी बस ये हमारा अमावस का जो खाना पीना था वो हो गया, और कल है मांटू का बर्थडे तो उसकी भी तैयारी करनी है। मैं अनाया को लेकर के नहीं जा रही हूँ क्योंकि वही है ना, बारिश का मौसम हो रहा है तो मुझे डर लगता है कि कहीं बारिश वारिश ना आ जाए और वो ना हो, तो मैं नहीं जाऊँगी, पाखी और उनके पापा ही चले जाएंगे। पाखी कर लेती है, वो अपनी समझ के कपड़े ले लेती है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से, मैंने उसको पूजा का भी सामान बोल दिया, मैंने कहा पूजा का सामान भी तुम ही लेके आ जाना। और बस अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने सबसे पहले जो है वो सारे बर्तन जो हुए थे वो भी साफ़ कर दिए हैं और मेरा जो किचन है वो भी साफ़ कर दूँगी। फिर ऐसा होता है कि संतुष्टि से, अच्छे से, आराम से आप खाना खा सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो जी देखिए मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है।
उठ गया हूँ, मम्मा का काम उपज गया है और मेरी मम्मा मुझे खुद मिलेगी। तो जी बाकी का जन्मदिन भी आ रहा है और इस बार की जो भी शॉपिंग है बर्थडे की वो बाकी ने खुद ही की है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब खुद कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ना कि क्या क्या लाई है मैडम जी अपनी पसंद से। मैं नहीं गई थी क्योंकि अनाया को लेकर के जाना था, फिर बारिश का मौसम हो रहा है और डर भी लगता है कि उसको ठंड वंड ना लग जाए बाइक पे। मुझे वैसे ही उसको ले जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो जी अपने आप शॉपिंग की है पाखी ने, दिखाते हैं और उसी की पसंद है। और वैसे उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था उसका फ़ोटो कि मम्मी आप देख लो अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बेटा आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको पहनना है। ये अपना एक टॉप लेके आई है, जीन्स नहीं लाई है क्योंकि इसके पास में जीन्स हैं फिर वो छोटी हो जाएंगी और महंगी महंगी जीन्स है क्योंकि देखिए 700 800 हज़ार रुपये से नीचे की अच्छी जीन्स नहीं आती है। तो जो जीन्स हैं अभी वो उनको पहन लेगी, बाद में देखेंगे। अभी के फ़िलहाल के लिए तो इसके लिए भी जीन्स है ऐसी, तो ये वाला टॉप लाई है। और जिस तरीके की अभी जो स्लीव्स है ना चल रही हैं ट्रेंड में, उसी तरीके की इसकी स्लीव्स है। मुझे भी काफ़ी पसंद आया, कलर वलर भी इसका चॉइस अच्छी है, पाखू की चॉइस अच्छी है। ले बेटा इसमें रखो इसको पहन करके। और नवरात्रि भी जैसे कि पहला नवरात्रा है जिस दिन, उसी दिन जो है वो पाखी का बर्थडे है फर्स्ट नवरात्रि में, तो मेरा तो व्रत रहेगा और पाखी का जो है पार्टी होगी क्योंकि बर्थडे है ना। तो मैंने जो है इससे ही यही जो है पूजा का सामान भी, ये दोनों गए थे, ये पापा गए थे और ये गई थी, तो ये सारा सामान जो है जो डेकोरेशन का सामान है बर्थडे का वो भी लेकर के आ गई। ये बलून्स हैं, हाँ ये कुछ इस तरीके का है, और ये भी और जो पीछे वो कर्टेन्स आते हैं ना, एक ही लाई थी, दो हैं, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का, और बलून्स भी दो पैकेट हैं। अच्छा लगता है, बर्थडे है तो डेकोरेशन और अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए क्योंकि ये दिन साल में एक बार आता है। और लड़कियों का तो बर्थडे जब जितनी धूमधाम से वो बिल्कुल उससे अपने माँ बाप के साथ मना सकती है, कभी भी नहीं मना सकती। चाहे बेशक बहुत अच्छे तरीके से आगे मन जाए, पर जब तक लड़की मतलब अपने मम्मी पापा के पास में, फिर पढ़ाई उढ़ाई बहुत सारी चीज़ें आगे हो जाती हैं। अभी तो बच्ची है और आगे जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा सा तो चेंज आता ही है ना। वैसे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि हमने पाखी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। इससे पहली बार हुआ था क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो ऐसा ही था। जब आप अपने आप खुद कुछ नहीं कर पाओ तब आप थोड़े से वो हो जाते हो। दिखा दो बेटा। और ये लेके आई है अपने शूज़ भी क्योंकि इसके पास में शूज़ हैं बट वो अभी पहन लेगी, एक जोड़ी तो कहीं आने जाने के लिए भी चाहिए। तो ये इस तरीके के शूज लाई है वाइट कलर में, कह रही कितने पीस दिखाए थे, 15-16 मेरी 15-16 पीस दिखाए, तब जाके मेरे दिमाग में आया इसको जब जाके पसंद हो। बहुत लाइट वेट है, कितने के है, 3.5। इसके पास में फेस वॉश ना लगा के ऐसे कर, ऐसे ऐसे सारी निकल जाएंगी बाहर आ रही सारी डी। तो ना बाकी को डॉक्टर के दिखाया था ना, इसके चेहरे पर बहुत सारे दाने से हो गए थे, तो इसके ठीक हो रहे हैं, बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं।
चलो बेटा दवाई लगा लो। सारी नाक के मार को सारे निकल गए बाहर, सारी जितनी भी डील्स है ना अंदर सब बाहर आ रही हैं इसकी। चलो अच्छे लग रहे हैं, रखो इसको। और अभी जो है मुझे चौकी भी लगानी है, सांजी लगानी है। वैसे मेरा पूरा काम ख़त्म है घर का, अनाया भी सो चुकी है, तो थोड़ा सा सामान रह गया था तो वो लेने जा रहे हैं। फिर मैं सांजी लगाती हूँ और अपनी चौकी लगाती हूँ। मैंने जो है सारा सामान पूजा का भी इन्हीं लोगों से मंगवा लिया था, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी। और सारा जितना भी पूजा का सामान जो भी नॉर्मली होता है वो सब लेके आ गए हैं। मैं आप लोगों को ना वो दिखा देती हूँ, कपड़े दुर्गा माता के। एक तो यही है और एक ये है ना, और एक ये उनकी चुनरी है, क्योंकि वो छोटी सी है मेरे पास में, बड़ी नहीं है तो उसी हिसाब से। और ये तो बहुत ही प्रिटी से है, ये मैं कल पहनाऊंगी उनको। ये वाला तो बहुत ही सुंदर है, एक ही येलो है। तो कितने ही सेट जो है वो लेके आ गए हैं लोग। और ये कपड़ा है जो नीचे डालूंगी, और हर बार मैं नया कपड़ा ही चौकी पे बिछाने के लिए मंगवाती हूँ नवरात्रों में तो स्पेशली। और पूजा के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है वो सब सामान मंगवा लिया है। और दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये माता रानी का मुकुट मैंने मंगवाया है, और एक मंगवाई है माला। माला भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये है माला। कल जब अच्छे से तैयार होंगी, सब कुछ होंगी, तब दिखाऊंगी। और अब भी चलिए चलते हैं डेकोरेशन करने, चौकी लगाने। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे थोड़ा सा अपनी वीडियोस का काम था, मैंने वो भी ख़त्म किया, और सब कुछ ख़त्म करके भी फुर्सत हो, बिल्कुल बस चौकी लगानी और फिर शाम का खाना बनाना है, और मुझे कोई काम नहीं करना। हेयर वॉश भी मैं कल ही करूँगी। चलिए फिर अपना सारा सामान वहीं पर ले जा कर के रख लेते हैं। चलो जी चलते हैं रूम में, यहीं पे देखो सारा। ये तो मेरा पूजा का ही रूम है, बस इसमें मैं सारी चीज़ें मेरी पूजा की ही है। और यहीं पे जो है मैं अपनी चौकी लगाऊंगी, सारा सामान, सारे जो है पूजा के मुझे बर्तन साफ करने हैं, पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन करना है। जैसे कि श्राद्ध चल रहे थे तो जितनी भी भगवान जी की वो है ना तस्वीरें हैं, सबको गंगा जल से वो करना है, उनको नहलाना है गंगा जल से। ये आ जाए तो मैं फिर सांजी लगाऊं अपनी। तो जी आज मावश वाले दिन ही शाम के टाइम जो है वो सांझी लगती है, तो मैं यहाँ पे चौकी लगा के छोड़ दूँगी। सुबह के काम जो पूजा पाठ है वो तो सुबह के टाइम में ही होगा, और अभी बाकी का जो काम करना है जैसे कि सांझी लगानी है वो कर लेते हैं। ये सारे काम सुबह में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये रहेंगे और मांटू रहेगी तो ये है कि अनाया को संभाल लेंगे, तो मैं फ्री होकर के ये सारे काम कर सकती हूँ। और ये काम थोड़ा सा तसल्ली के ही होते हैं। तो जी बस मैंने यहाँ पर लड़ी वड़ी लगा के अच्छे से और बस चौकी लगा दी है। सांजी भी जो है वो आज ही लगेगी, और बस कल से जो है वो नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। पूजा पाठ सुबह के टाइम में इतना अच्छा माहौल घर का, मतलब एक जो वो खुशबू सी आती है ना, ज्योत बत्ती होती है जब सामग्री सिलगाते हैं तो एक अलग ही जो है वो माहौल रहता है। और देखिए सब कुछ लाल लाल सा हो गया है, तो मैं लगा रही हूँ अभी यहाँ पर चौकी, और सारा मंदिर भी जो है वो क्लीन कर दूँगी पूरे, उसमें गंगा जल का जो है वो छिड़काव करेंगे, क्योंकि श्राद्ध भी ख़त्म हुए हैं तो उसी वजह से। ये मेरे पास में नौ दुर्गे की तस्वीर है, वो मैंने ले ली है, उनको यहाँ पे रख लिया है। और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी, जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितना भी मुझे सामान पूजा पाठ में चाहिए वो सारा सामान यहाँ पे रख लेंगे। गोबर लू हस ठाके मंटू गौ माता का पता नहीं बैल का है गौ माता का लेगा।
उनको देख ले दीदी क्या कर रही है। मांट उठा गया तो जी अभी जो है मैं यहाँ पे पूजा का सामान लगा रही हूँ, और जैसे कि मैंने सामग्री जो है वो डब्बे में करके रखी हुई है, ये रोली है, शहद है, कपूर है, ये सारी चीज़ें मैंने पूजा की पहले से ही मंगवा करके रखी हुई है। लौंग का जोड़ा हो गया क्योंकि रोज़ एक लौंग का जोड़ा, इलायची, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी है। तो बस वही सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है, और एक ये बास्केट है इसको अच्छे से वॉश कर लिया, और पूजा का जितना भी सामान था वो मैंने इसी बास्केट में लगा लिया है, और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके इसी वाली बास्केट में लगा लेंगे, ताकि रोज़ रोज़ ना चीज़ें इधर उधर हमें ढूंढनी ना पड़े, और इसी में से मुझे पूरा सामान अपना पूजा का मिल जाए। ये हैं माता रानी के कपड़े, सारे कपड़े जो मैंने मंगवाए हैं, और सभी मैं इसी बास्केट में सारे कपड़े अच्छे से लगा दूंगी, ताकि मुझे इनकी चुनरी के साथ में, जैसे कि जो दुपट्टा है उसी के साथ में करके कपड़े इसी में लगा दूंगी सारे एक अलग अलग छांट करके। तो जी ये बास्केट मुझे बहुत पसंद है, ये पूजा वूजा के लिए, पूजा का सामान ले जाने के लिए ना बहुत अच्छी है उसमें। और माता रानी के काफ़ी सारे कपड़े मेरे पास में थे भी, बट मैंने जो है नए भी बहुत सारे मंगवाए, तो सारे कपड़े मैंने अच्छे तरीके से इस बास्केट में लगा दिए हैं। और बस अभी कल से शुरू हो जाएंगे अपने नवरात्रे।